हे एवरीवन दिस इज चांदी दिनानी वर्कमिंगस एंड दोअम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट रिटर्न बाय जॉन कीट्स तो हम ऑलरेडी इसका लाइन लाइन एक्सप्लेनेशन यानी सारे डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो बट येस नाउ वी नीड टू सी द समरी ऑफ द कंप्लीट पोअम सो दैट हम एक रिविजन कर लेंगे दूसरी बात अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है इन द एक्सप्लेन डेफिनेटली वो समरी में क्लियर हो जाएगा एंड ऑल्सो जो फाइनल मैसेज है इस पोअम का दैट वाई जॉन कीड्स और वॉट एक्सैक्टली जॉन कीड्स की टू कन्वे टू हिज रीडर्स वो भी हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम डिस्कस करेंगे क्लियर सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोअम सो ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट इज अ नेचर पोअम बाय जॉन की ऑब्वियसली हमें पता है कि ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द पोम जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली इन दिस बुक एंड दैट इज टाइटल्ड एज द एंट एंड द क्रिकेट तो वो एक स्टोरी थी उसमें एंट और क्रिकेट कैरेक्टर्स की तरह काम कर रहे थे बट राइट नो इन दिस पोअम कोई कैरेक्टर की तरह काम नहीं कर रहे हैं ग्रास हॉपर और क्रिकेट बल्कि दे आर एक्टिंग एज द सिम्बल्स ऑफ नेचर ठीक है so, तो यहाँ पे ग्रास हॉपर और क्रिकेट की ये बात हो है कि ये एक नेचर पोम है ये सिग्निफाई कर रहे हैं कोई नेचर के एलिमेंट को जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो एंड दिस इज अ ब्यूटीफुली रिटन बाय जॉन द पोइट एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द पोम तो जो पोइट हैं वो इस पूरी पोम में नेचर का जो ब्यूटी है ब्यूटी इन द सेंस ऐसा नहीं कि कितना खूबसूरत है नहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है नेचर का जो वो यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कोई भी हार्श सिचुएशन होती है दैट इज कोई भी डिफिकल्ट या एक्सट्रीम सीजन होता है तभी नेचर जो है वो गिवाप नहीं करता पोइट्री हैचर की पोइट्री है जो रिदम है जो साउंड है जो सॉन्ग है वो कभी सीज नहीं होता है कभी एंड नहीं होता है इट्स अलाइव ड्यूरिंग द समर सीजन ऑल द बर्ड आर टायर्ड ड्यूर दीट ऑफ द सन एंड हाइड एंड शेडो ऑफ द ट्रीज और पहले बात की की गई है है समर समर सीजन सीजन कि जब भी होता है, तो इतनी ज्यादा गर्म, गर्मी होती है इतनी ज्यादा स्कॉचिंग हीट होती है और इस वजह से जो बर्ड्स हैं जो एक बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज जिसकी वजह से जो पोइट्री है ऑफ नेचर वो हमको सुनाई देती है राइट तो ये जो बर्ड्स है वो समर सीजन में बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट क्या हो जाते हैं दे गेट टायर्ड एंड दे स्टार्ट बेहोश जैसा होने लगते हैं वो इतना थक जाते हैं एक तरीके से यूज किया ऐसा होता नहीं है एंड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड हाइड अंडर द शेडो ऑफ द ट्रीज तो वो कोई ऐसी जगह पे शेल्टर ले लेते हैं जहां पे थोड़ा कूलिंग इफेक्ट हो जहां उनको थोड़ा अच्छा लगे गर्मी नहीं लगे और इसीलिए वो क्या करते हैं वो दे टेक द शेल्टर अंडर द शेडो ऑफ द ट्रीज यानी जो ट्रीज का शेडो है जो छाव है वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है राइट तो वहां पर ये क्या करते हैं शेल्टर ले, ले लेते हैं अब देखो यहां पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं बहुत तेज धूप होती है तो हम क्या करते हैं पेड़ के नीचे छाव में बैठ जाते हैं राइट तो यहाँ पे बर्ड्स की स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही है बल्कि यहां पर हमारी बात हो रही है बिकॉज

तो हमें लगता है भाई वर्ड्स तो अब उन्हें तो बहुत गर्मी लग रही है तो अब ये पोइट्री तो सुनाई नहीं देगी बट ऐसा होता नहीं है हमें सडनली उस वक्त एक वॉइस सुनाई देती है और वो किसकी होती है वो होती है ग्रास हॉपर की जो कि एक हेज से दूसरे हेज पे यानी जो बाउंड्री होती है जो बुशेस की बनी होती है वहाँ पर एक हेज से दूसरे हेज पे मूव कर रहा होता है इट्स वॉइस रन थ्रू आउट द फ्रेशली मोन मीडोज अन टायरिंगली और उसकी जो वॉइस है वो वहाँ पर जो फ्रेशली कर्ड मीडोज होते हैं जो फ्रेशली कर्ड ग्रास है या फिर जो बुशेज हैं वहाँ पर इसका साउंड सुनाई देता है बिकॉज इट्स जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन एंड टू अनादर हीस द वे एंड सिंग्स हैप्पीली और उस वक्त ही इज लीडिंग बिकॉज ही इज द वन सिंगिंग राइट जब सब पोइट्री बंद हो गई है देन ही इज द वन जो कि उस पोइट्री को कंटिन्यू रख रहा है एंड सिंग्स हैप्पीली और वो अलग ही डिलइटफुली गाता है उसको बहुत मजा आता है इस सॉन्ग को गाने में during the summers he enjoys the delight of his singing and he is in the luxury of summer during summers he enjoys he takes delight in his own singing in his own समर सीजन तो में जब सारी सिचुएशन में हम थक जाते हैं हम ट्रीज के नीचे बैठ जाते हैं तभी कुछ लोग होते हैं जो उस वक्त भी मूव करते रहते हैं कि जब बहुत ज्यादा हार्श समर सीजन होता है तो उस वक्त सब बर्ड वगैरह जो है वो शांत हो जाती है दे आर नॉट सिंगिंग उस वजह से ऐसा लगता है कि जो पोइट्री है वो सीज होने वाली है बट उस वक्त भी ग्रास होपर जो है उसको कंटिन्यू रखता है क्लियर ऑल राइट

During the evening in winter season, when the frost has made everything silent, from the stones a loud and clear sound is heard. और winter season में जो evening होती है winter evening, उस वक्त जब इतनी ज़्यादा ठंड है हर जगह silence होता है जो frost है जो बर्फ जमी हुई है हर जगह वो अपने साथ क्या करती है एक silence लेके आती है एंड वेन फ्रॉम द स्टोन अलाउड इन क्लियर साउंड इज हर्ड और उस वक्त हर जगह शांति से, से लगता है चलो भाई अब तो जो पोइट्री है अर्थ की वो स्टॉप हो ही जानी चाहिए बट ऐसा होता नहीं है क्या होता है उस वक्त किसी स्टोन से किसी पत्थर से आवाज आने लगती है जो कि बड़ी क्लियर और लाउड साउंड होता है श्रिल साउंड होता है दिस इज द साउंड ऑफ द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट विच स्प्रेड दैपीनेस एवरीवेयर और किसकी आवाज है ये ये है सॉन्ग ऑफ क्रिकेट ठीक है तो जब ठंड का सीजन होता है हमें क्या चाहिए कि भाई हमें कोई हीटर हो या कोई वॉम्थ प्रोड्यूस करने वाली कोई चीज हो ठीक है और उस वक्त जो क्रिकेट का साउंड है वो उस वॉम्थ को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है बहुत आती हैं, तो जो लोग आधी में होते, उनको लगता है कि भाई किसका साउंड है ये साउंड है ग्रास हॉपर का जो किसी ग्रासी हिल से सुनाई दे रहा है तो जब कोई आधी नींद में होता है तो हार्डली वो डिफरेंस uh, कर पाते हैं या फिर वो पता लगा पाते हैं कि भाई यह क्रिकेट का है या ग्रास होपर का साउंड है

और उसकी पोइट्री जो है जो रिदम है जो साउंड है जो सॉन्ग है वो कभी एंड नहीं होता है भले ही एक्सट्रीम हीट हो या एक्सट्रीम कोल्ड हो यानी कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो बट नेचर अपना काम करना बंद नहीं करती है उसकी पोइट्री कभी भी सीज नहीं होती है क्लियर तो क्या मैसेज हमारे लिए है सिमिलरली वन शुड ऑलवेज बी एंड ऑल्सो भी द अनफेवरेबल कंडीशन तो हमारी लाइफ में भी कभी भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है ऐसी कोई सिचुएशन जिसे हम हम वेलकम नहीं करना चाहते अनवॉन्टेड होती है वी नेवर वॉन्टेड वी नेवर एक्सपेक्टेड बट फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है तो हम क्या करते हैं 98% एट परसेंट ऑफ द पीपल दे गिव अप दे आर लाइक वो सैड हो जाते हैं डिप्रेस फील करते हैं और सोचते हैं कि भाई हमारे साथ ही क्यों वाई वी शुड मूव ऑन अब तो कुछ नहीं हो सकता राइट right? बट हमें क्या करना चाहिए लाइक द वे नेचर जो है इट नेवर सीजेज it never stops. it's poetry never stops, whether it's extreme heat or extreme cold. similarly, as human beings, also we should try to be happy. we should keep going. we should just be like, uh, amesha, you know, energetic, excited, uh, exhilarated, only when the difficult situation is there. no, every time, take care. we should also be there with that same happiness, with that same delight, with that same excitement. every time, every moment in our life, whether we have any unfavorable situation in our life,